और आज का जो व्लॉग है वो मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई एम वेयरिंग मामाअर्थ का मास्क क्योंकि ये मुझे मामाअर्थ वालों ने भेजा है एंड एक्चुअली उन्होंने काफी सारे भेजे हैं तो दो मैं रखने वाली हूँ और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने भेजे हैं एंड कोई स्पॉन्सर और ये सब नहीं है वो आई थिंक जो जो मामाअर्थ के साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड है उनको भेजते होंगे वो एंड अभी हम लोग एक्चुअली अभी काफी सुबह है 8 बज रही है और हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट क्योंकि हमको अभी मैं आपको पूरी एक लॉन्ग स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ है लास्ट 2-3 डेज से. आपको पता होगा शायद आपने न्यूज़ में देखा होगा नहीं देखा होगा आई एम नॉट श्योर क्योंकि यहाँ पर फिर से लॉकडाउन हो गया है और हमको ये न्यूज़ ही नहीं थी कि हम लोग न्यूज़ कैसा देखते हैं हमारे घर सिर्फ एक ही चैनल आता है क्योंकि हमारे सिर्फ 4 चैनल सब्सक्राइब्ड है बाकी अननेसेसरी चैनल्स हैं ही नहीं हमारे पास तो एक सिर्फ न्यूज़ का चैनल है वो है आज तक और एक CNBC आवाज़ है उसमें भी शेयर मार्केट वगैरह की चीज़ें देखता है दैट्स इट और 2 नॉर्मल चैनल्स हैं एक तो MTV है और एक और कोई एक चैनल बस इतने चैनल हमारे पास आते हैं तो आज तक मैं शाम को जनरली हम लोग 7 बजे 7:30 से 7:30 बजे जब भी हम खाना खाते हैं तब वो न्यूज़ देखते हैं आधे घंटे की तो उसमें कहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तो हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पर लॉकडाउन हो गया है और हमारे पास वेजीज ही नहीं है बिल्कुल भी और नीचे वाली जो हमारी शॉप है ग्रोसरी वाली वो बंद है पिछले 3 दिनों से और भी आसपास के जितने भी शॉप्स हैं वो सब बंद हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट और हम काफ़ी सुबह जा रहे हैं कि हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से ले आएंगे 10-15 डेज का जो भी सामान होगा क्योंकि अभी क्या हो रहा था लॉकडाउन नहीं है तो इतना स्टोरेज नहीं रख रहे थे मतलब वेजीज वगैरह का स्टोरेज नहीं रख रहे थे 3 दिन की आती थी और बस वही यूज़ करते थे वैसा और फिर भी इसके बाद मैंने न्यूज़ चेक किया प्रॉपरली तो लिखा था कि हाँ भाई इतने इतने दिनों तक का लॉकडाउन है फिर से एंड काफ़ी पुलिस की चेकिंग वेकिंग चल रही है एंड अगेन जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ था ना वैसा हो गया है ऑनलाइन कुछ भी सामान हमारा नहीं आ रहा है अमेजन वगैरह से जो अगेन डिलीवरीज हो रही थी वो सब बंद कर दिया मतलब कम्प्लीट लॉकडाउन जो स्टार्टिंग ऑफ मार्च में हुआ था वैसा हो गया है और अभी हम यहाँ पर आए थे और हमको पता चला है कि सब कुछ बंद है इवन जो पहले एसेंशियल्स खुल गए थे जैसे मोर हो गया डीमार्ट हो गया ये सब ओपन था सब बंद है मतलब टोटल लॉकडाउन कर दिया है जो पहले नहीं था ना उससे भी खतरनाक लॉकडाउन है तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमको कुछ भी नहीं मिला है मतलब जो भी हम लेने गए थे हमको कुछ नहीं मिला है अब कल देखते हैं हमारे जो नीचे वाले भैया स्टोर वाले हैं उनको कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कुछ हमको हमारे पास टमाटर नहीं है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है लहसुन नहीं है अदरक नहीं है मिर्ची नहीं है और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सब नहीं है तो वैसा बट आज जब हम गए थे ना तो एक शॉप वाले भैया बाहर ही खड़े थे वो उनकी शॉप बंद थी तो वो बता रहे थे यही कि उन लोगों के लिए मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है क्योंकि उनको एट दी एंड मंथली जो पेमेंट होता है जो छोटी शॉप वाले होते हैं ग्रोसरी शॉप वाले उनको मंथली अपना किराया देना होता है रेंट देना होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है सारी चीज़ें तो उतनी ही देनी पड़ रही है और उसके बाद उनका कुछ हो नहीं रहा है मतलब बिक्री नहीं हो रही है 15 दिन सिर्फ शॉप खुली थी अभी तक और उसके बाद फिर से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है तो जो एक्चुअली में बिज़नेस करता है छोटे लेवल पे जिनकी शॉप्स हैं सब्ज़ी वाले हैं उन लोगों के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो लोग कैसे मैनेज करेंगे मतलब घर उनका शॉप का रेंट निकलना तो बहुत दूर की बात है उनका घर की भी चीज़ें मतलब चलना इज़ लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए वही बता रहे थे तो वैसा है टफ टाइम्स एंड ऑल्सो आई एम हैविंग पिम्पल्स यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे और इधर जो था वो तो काफ़ी हद तक चला गया है बट स्टिल आई एम हैविंग बैड स्किन मे बी मॉइस्चर की वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से ऑयली स्किन वालों में प्रॉब्लम होती ही होती है तो उसके और मैं यूजुअली ऐसा होता है कि जब मेरी स्किन अच्छी हो जाती है तो मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ अपने स्किन केयर को लेकर के अभी लेकिन अब मैं फिर से क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी आ गई है बारिश वाला टाइम जो होता है ना उसमें स्किन में थोड़ा दिक्कत आता है स्किन हेयर सब में दिक्कत आता है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन पिम्पल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं थोड़ा अच्छे से टेक केयर करूँगी और वैसा भी है अभी 4 डेज पहले हमारी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप्स जो हैं 59 है कि 58 है कि 60 है पता नहीं पर हाँ बैन कर दी है और 24 घंटे के अंदर अंदर टिकटॉक जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया था काम करते करते ये होता है जस्ट कट माई फिंगर राइट नाउ इसलिए हमारे घर में वेजिटेबल्स जो है वो विक्की काटता है क्योंकि मैं वेजिटेबल्स के साथ साथ अपने हाथ भी काट लेती हूँ इसको कटिंग भी नहीं चालू कर रहा मैंने अनियन के उससे पहले मेरा दिनों के बाद मुंबई में बारिश हो रही है आप लोगों क्या बारिश हो रही है कि नहीं हो रही बताना मुझे आसाम में तो बहुत ज़्यादा खराब हालत है वहाँ पे अगेन फ्लड आ गया है वहाँ पे बहुत मतलब मैंने देखे उसके वीडियोस भी काफ़ी खतरनाक हालत हो रखी है आसाम की एंड दूसरी चीज़ मुंबई में मुझे याद है लास्ट जितने साल से मैं आई हूँ मुझे 3 साल हो गए हैं ये वाला मेरा 4th ईयर होने वाला है मुंबई में
तो जब से मैं आई हूँ तब से जून में 6th या 7th June को बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरी डांस क्लास में एक बच्ची आती है, उसका बर्थडे होता है, आई थिंक 10th June को उसका बर्थडे होता है। तो मुझे याद है हमेशा उसके बर्थडे पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा, इतनी बारिश होती है कि पानी भर जाता था रोड पे, क्योंकि हम लोग उसके बर्थडे पे जाते हैं ना तो पता रहता है कि हाँ बारिश बहुत हो रही है, पानी भर गया है, कैसे जाना है एंड ऑल दैट। तो कितनी बारिश होती है जून से, बट इस बार अभी तक बहुत खराब हालत है वैसा। और अब मैं आप लोगों से फटाफट से खाना बनाने के बाद मिलती हूं। आई जस्ट टुक शावर, और शावर लेने के बाद अभी मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। कैन यू सी दिस मार्क, मुझे जो पिंपल हुआ था वो पिंपल पूरी तरह से चला गया है, बट ये बहुत गंदा सा प्रोमिनेंट सा मार्क देखे गया है। तो जिनको भी सिस्टिक एक्ने होता होगा उनको पता होगा कि सिस्टिक एक्ने यूजुअली मार्क छोड़ के जाता है, और मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे लगता है मेरे पे कुछ स्पेशल है, मतलब अगर होना है तो मार्क छोड़ के जाना जाना है। हालांकि मुझे काफ़ी टाइम बाद हुआ है, क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स और वर्कआउट और थोड़ा मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से अब ये थोड़े कम होते हैं। तो बट अभी काफ़ी टाइम बाद हुआ है, बट वो इतना गंदा प्रोमिनेंट सा मार्क छोड़ के गया है। तो अभी इसको मैं ट्रीट करूँगी, एटलीस्ट ये 20 days लेगा, 20 to 25 days जाने में। सो करंटली आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम। सो दिस इज स्पेशली फॉर एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स। इसके अंदर नियासिनेमाइड है और साथ ही साथ जिंजर एक्सट्रैक्ट है। नियासिनेमाइड हेल्प्स इन ट्रीटिंग एक्ने, रेगुलेट्स ऑयल प्रोडक्शन, ऐसा जो रेडनेस हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, पोर्स का साइज जो है उसको श्रिंक करता है। उसके साथ ही इसके अंदर जिंजर एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स है, एंटी एजिंग की तरह ये काम करता है, आपकी स्किन को सूदन आउट करता है और आपकी स्किन से जो भी पैचीनेस होती है उसको रिमूव करता है। इसके अंदर ग्लिसरिन भी मिला हुआ है एंड साथ ही साथ जिंक पीसीए मिला हुआ है। सो बेसिकली जिंक पीसीए एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो कि एक्ने को कंट्रोल करता है, उसके साथ ही साथ सीबम सिक्रीशन को भी रिड्यूस करता है। तो इसको मैं यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके कंसर्न्स एक्ने प्रोन आपकी स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, आपको एक्ने का इशू होता है, आपको लार्ज पोर्स इशू है, बिकॉज यूजुअली ऑयली स्किन वालों को लार्ज पोर्स का भी इशू होता है, सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो अगर आपका ऐसा कुछ कंसर्न है तो आप वो वाला सीरम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज देर आर टू मोर सीरम्स एज वेल। तो दोनों अलग अलग सीरम्स हैं, एक है मामाअर्थ का स्किन प्लम फेस सीरम विथ हाइड्रोलोनिक एसिड एंड रोजहिप ऑयल, एंड दूसरा जो है वो है स्किन इल्यूमिनेट फेस विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। तो ये बेसिकली थोड़ा इल्यूमिनेशन देता है आपकी स्किन को, मतलब आपकी स्किन को इल्यूमिनेटिंग बनाता है एंड साथ ही साथ थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। एंड ये वाला जो हाइड्रोलोनिक एसिड स्किन प्लम वाला सीरम है, ये आपकी स्किन को आपकी एज लेस स्किन करता है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा रेडियंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली मोर कंसर्न इज टूवर्ड्स कि आपका फाइन लाइंस ना हो, एजलेस आपकी स्किन हो, तो उसके लिए आप इस तरह का सीरम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलोनिक एसिड एंड रोजहिप ऑयल। हाइड्रोलोनिक एसिड आपकी स्किन से रिंकल्स को हटाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, जब एक एज के बाद स्किन हल्की हल्की सी झुलने लगती है तो वो आपकी स्किन की ठीक करता है इलास्टिसिटी। रोजहिप ऑयल जो इसमें मिला हुआ है वो आपकी रिंकल्स एंड साथ ही साथ स्कार्स को भी इम्प्रूव करता है। काफी ज्यादा ग्लोई एंड ब्राइटन अप आपकी स्किन चाहिए तो आप स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम, इसका नाम ही इल्यूमिनेट है, मतलब आपका जिसका मेन पर्पस है वो इल्यूमिनेशन है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या मिला हुआ है। इसके अंदर विटामिन सी एंड टर्मरिक है, यूजुअली विटामिन सी और टर्मरिक यही दोनों काम करते हैं। टर्मरिक के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें विटामिन सी मिला हुआ है जो कि आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी एंड स्मूदर बनाता है, फाइन लाइंस का जो विजिबिलिटी है उसको कम करता है। स्क्वालेन है जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है। इसमें निम्फा अल्फा फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी स्किन को सन आउट करता है, रेडनेस हटाता है, इरिटेशन हटाता है और इन्फेक्शन से दूर रखता है। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब पेटा सर्टिफाइड हैं एज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं। दिस इज वन ऑफ द हैशटैग वोकल फॉर लोकल ब्रांड है। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स में से आपको कोई सा प्रोडक्ट परचेस करना हो, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये नायका, अमेजन और mamaearth.in पर अवेलेबल हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है और मैं आपको अभी अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। ये जो ड्रेस है मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड करी है, तो पहले मैं थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, 1-2 घंटा मैं काम करूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होगा क्योंकि मुझे इस ड्रेस में पिक्चर भी क्लिक करना है। मैंने फर्स्ट डे पहनी हुई है एंड ये इतनी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी, मतलब इसका नेक वगैरह उन्होंने इतना परफेक्ट बना करके दिया है, जबकि कोई मेरे सामने मेजरमेंट नहीं लिया, बट स्टिल नेक वगैरह सब कुछ बहुत परफेक्ट आया। आज सुबह से बारिश हो रही है फाइनली मुंबई में, से आज हो रही है मस्त झमाझम बारिश एंड आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। जैसे ही बारिश पड़ती है सारे जो प्लांट्स है ना वो एकदम खिल जाते हैं मस्त तरीके से। और ये है विक्की, हाय, बाद में मिलवाती हूँ। आज का जो ब्लॉग डाला हुआ है ना समोसे वाला, उसमें आपके लिए काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो आप पढ़ करके उसको रिप्लाई कर देना।
ठीक है। अभी विक्की समोसे बनाएंगे। हाँ कल बड़े समोसे। ठीक है, और कल रेसिपी के साथ थोड़ा रेसिपी बताएंगे अपन, ठीक है। तो अब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, तो अभी और मैंने प्रॉपर लिपस्टिक वगैरह लगा करके इस ड्रेस में पिक्चर्स क्लिक करवाई है विक्की के साथ। विक्की मेरी पिक्चर्स क्लिक करता है। विक्की को पिक्चर्स क्लिक करवाना इज लाइक अ स्ट्रगल अपने में, और हर बार ऐसा होता है कि ये आदमी मेरी पिक्चर्स क्लिक करता है उसमें हमारा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जम के, क्योंकि इसे 5 फोटोज खींचता है, और पता है वो 5 फोटोज कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर इमेजेस डालूंगी, ऐसे ऐसे निकले हुए होंगे, ठीक है, आधे बाल टेढ़े मेढ़े होंगे, ये देख के भी नहीं बताता। और मैं पूछती हूँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, और बस खच 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 क्लिक करता जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा इरिटेशन होती है कि कम से 10 फोटो खिंचवाती हूँ, उस 10 में से ये मुश्किल से 2 फोटो ढंग से खींचता होगा। वो फोटो जैसे तैसे क्लिक करवाई है, हम उसको एडिट वेडिट करके, मतलब आप सोचो एंगल्स तक टेढ़े लिए हैं, इमेजिन एंगल्स कौन टेढ़े लेता है यार। तो अभी मैंने अपनी फोटोज क्लिक कराई है एंड अभी ऑलमोस्ट 7:30 होने वाला है। मैं आपको बाहर का सिनेरियो बताती हूँ कि अंधेरा नहीं हुआ है, और ये है अभी भी काफ़ी रोशनी है, 7:30 बजे ये हाल है। मैं ये फटाक से विंडो लगा देती हूँ, कर देती हूँ, अदरवाइज मॉस्किटोज आ जाएंगे, क्योंकि मॉस्किटो का सीज़न है। काफ़ी सारे लोग मुझसे इस नेट के बारे में पूछ रहे थे कि ये जो नेट है ये आपने कहाँ से लिया। एक्चुअली हमने ली नहीं है, ये हमको प्रोवाइडेड ही थी, मतलब अंकल की है जिनका रेंट घर है, ये उन्हीं की थी। तो ये जो है ये पहले किचन में लगी थी, बेडरूम में पता नहीं कहाँ लगी थी, तो मैंने दोनों यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि बेडरूम की विंडो हम ओपन नहीं करते हैं ऐसा। और ये है, ये विक्की का काम चल रहा है। कब ख़त्म करोगे? फ्राइडे नाइट है आज। फ्राइडे नाइट, आज हम कौन सी सीरीज देखेंगे? मुझे बहुत मीठे का क्रेविंग हो रहा है, और मैं चॉकलेट अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने फिर से चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने महीने में कम से कम 6 से 7 बार मिल्क भी लिया है ना, 6-7 बार लिया है ना, आराम से 6 से 7 बार मैंने आराम से मिल्क लिया है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी मुझे ये एक्ने हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जब मैंने अभी बंद कर दिया था तो उससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो अगेन मैं फिर से कट डाउन कर दूंगी, फिर से कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना ही चेहरा है, अपना ही सब है। तो अभी मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, आटे, हाँ आटे का हलवा बनाऊंगी, आटे का एंड शुगर का। मैं जैगरी मिला सकती हूँ, बट मैं शुगर वाला बनाने वाली हूँ, शुद्ध घी वाला हलवा बनाऊंगी। सो या विक्की आलू बॉईल कर रहा है। क्यों आलू बॉईल कर रहा है? क्योंकि कल फिर से समोसा बनने वाला है। एक और चीज आ जाइए मेरे पास, ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है अभी के टाइम पे। तो मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ, और यूज़ करने के बाद जैसा भी लगता है उसके लिए आपके लिए प्रॉपर उसका एक रिव्यू बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हुए हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है क्या। तो अभी तक तो मैं पानी और बेकिंग सोडा या विनेगर या ऐसा कुछ डाल करके ही, या सॉल्ट डाल देती थी, ऐसे ही डाल के यूज़ कर रही थी। बट अभी इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तो ये आया है मेरे पास। तो लेट्स सी, मैं ट्राई करके देखूंगी। आटे का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा लिया है, और उसके बाद एक बाउल में घी लिया है, और यहाँ पर अब मैं आटे को थोड़ा सा सेकूंगी जब तक वो थोड़ा सा ये सेमी ब्राउन टाइप का नहीं हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर घी ऐड किया है। घी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गया है मुझसे, बट नेवर माइंड, वो क्योंकि जमा हुआ था तो मुझे समझ में नहीं आया कि कितना क्वांटिटी है। इसको आपको अच्छे से सेकना होता है, मतलब आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए प्रॉपरली। बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जब शुद्ध घी इसमें आटे में मिक्स होता है तो। और एक तरफ मैंने पानी को बॉईल करा है और उसमें शुगर ऐड किया है, जितना भी शुगर आप चाहते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो शुगर ऐड करा है, तब तक यहाँ पर अच्छे से ये सिक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जब ये सिक जाएगा तो वो जो पानी मैंने बॉईल किया था शुगर वाला, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब मुझे कंटिन्यूस फटाफट फटाफट चलाना होता है ये प्रॉपरली इसमें, ताकि जो गिटले विकर होते हैं ना वो सब ना पड़ जाएँ, बबल्स ना पड़ जाएँ। तो इसलिए इसको मैं प्रॉपरली चलाऊंगी। एंड ये देखिए, अब ये अपने आप, बस आपको स्पीड में चलाना होता है। एंड ये एक बहुत ही यमीएस्ट हलवा में कन्वर्ट हो गया, बहुत इजी होता है। अगर आटा, बस आटे को सेकना थोड़ा सा है, 10 मिनट का काम है, बाकी तो ये बहुत इजी और फटाक से बन जाता है। और ये हमारा जो हलवा है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मुझे यूजुअली ऐसे ही पसंद है। मैं सिर्फ इलायची डालती हूँ उसके ऊपर, इलायची को हल्का सा पीस करके ऊपर से डाल देती हूँ, दैट्स इट। ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है वैसे भी।
जो हलवा है वो बन चुका है, शार लेने के लिए जाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी क्योंकि ऐसे चिपचिप माहौल में खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने आपको ये ड्रेस नहीं बताई है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स बता देती हूँ। तो ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिसका मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने मुझे 5 सूट भेजे हैं। तो बेसिकली सिर्फ कुर्ता है और बहुत अच्छे फैब्रिक का एक कॉटन मिक्स है, क्योंकि मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है, मैं दिन भर से पहनी हुई हूँ, प्लाजो पहनी हुई हूँ। तो ये जो प्लाजो मैंने पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, ये दूसरे सूट का है, एक अनारकली है ब्लैक कलर का, बहुत सुंदर सा हैवी सा है, उसके लिए उन्होंने दुपट्टे के साथ पूरा सूट है वो भेजा है, और ये कुर्ता भेजा हुआ है। तो कुर्ता भी मुझे एकदम परफेक्ट आया है, मैं आपको इसका बैक वगैरह सब दिखाती हूँ। तो ये इसका बैक है, काफी अच्छे परफेक्ट साइज में है, अलग से है बट मैंने ये इसके साथ पहना है। एंकल लेंथ ट्राउजर है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए, गर्मियों के लिए। डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। 5 सूट है, 5ों को मैं अभी नहीं यूज कर रही हूँ, एक्चुअली सावन आने वाला है तो उसमें जनरली मैं पूजा वगैरह, तो मैं बाकी के जो सूट्स हैं ब्लैक वाले जो कलर के वो मैं पहले बता दूंगी, या फिर किसी वीडियो में या ब्लॉग में मैं पहनूंगी तब मैं डिटेल्स बता दूंगी कि ये 2nd नंबर का सूट है, ये 3rd नंबर का है, 4th नंबर का, 5th नंबर का, ऐसे। तो ये है फर्स्ट कुर्ती, आई टोटली लव्ड इट। थोड़ी सी मैं वर्कआउट करूंगी क्योंकि अब ये धोने डाल दूंगी, नाइट सूट पहनूंगी रात का। तो थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद मैं जाऊंगी शाल लेने के लिए, अभी विक्की गया है तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और जितने भी 90s के ट्रैक्स होते थे ना, जैसे माधुरी दीक्षित हो गई, उसके बाद श्रीदेवी जी हो गई, इन लोगों के जो ट्रैक्स होते थे मैं इन्हीं सॉन्ग्स पे डांस करती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में जो पुराने ट्रैक्स थे उन ट्रैक्स में स्टेप्स होती थी, म्यूज़िक होता था, कुछ मीनिंग होता था, डांस होता था। अभी के ट्रैक्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो सिर्फ कूदने के लिए अच्छा है कि पार्टी करना है तो कूद लो, डै। अब मैं शावर लेने के बाद आपसे मिलती हूँ। Hey guys, so I just took shower और इतना थक जाने के बाद हॉट शावर लेना इज़ द बेस्ट थिंग, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभी अपने फेस पे चंदन और शहद मिला करके लगाया हुआ है, तो क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे पिंपल्स यहाँ पर हुए, बैठ गए काफ़ी हद तक बट मार्क्स हैं, तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन होम रेमेडीज़। अगर आपको प्योर चंदन मिल जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप बाकी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, सैरम्स हो गए, ये सब आप लगा सकते हो, बट आप थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा पीना और पेट थोड़ा ठीक रखना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना ठीक रखना, एंड देन थोड़ी सी होम रेमेडीज़ लाइक बेसन और चंदन और समथिंग लाइक दैट। बेसन मेरे को सूट नहीं होता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं चंदन प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैंने चंदन और शहद जहाँ जहाँ अभी मुझे मार्क्स हैं वहाँ लगाया है। हिम्मत एंड शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है, रात में मैं व्लॉग नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ, मतलब हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।